हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जीरोधा पे जो भी हम कमांड लगाते हैं वो कमांड कैसे काम करती है और वो जो सिंटैक्स होते हैं, जो कोड होते हैं, वो किस तरीके से यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताऊँगा, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग बनने वाली है। पर अगर आप जीरोधा पे बॉट ट्रेडिंग करते हो नेक्स्ट लेवल बोर्ड के साथ, तो ये आपको काफ़ी हेल्प देने वाली है। तो सबसे पहले जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमें अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट लॉगिन करना होता है, उसके बाद अपना जीरोधा अकाउंट लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट लेवल बोर्ड का एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करके, जीरोधा यहाँ लिखा है अभी मेरा कनेक्ट है, आपको इस पर क्लिक करके कनेक्ट करना होता है। आपको यहाँ ऑथराइजेशन सक्सेसफुली लिखा आएगा जैसे आया था, तो ये कनेक्ट हो जाता है। फिर मेन काम क्या होता है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर दबाना होता है, जिससे कि आपका जो बॉट है और ट्रेडिंग व्यू आपस में कनेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ आपको मेन है जो करनी करनी होती है, जो मैं आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं हम कमांड पे, तो मैं आपको अभी कमांड लगाना बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक इंडिकेटर लिया है जो एवरी कैंडल पे सिग्नल देता है, और हमने यस बैंक का चार्ट खोल लिया है एक मिनट में, क्योंकि जो भी मैं कमांड लगाना बता रहा हूँ आपको वो जल्दी हो जाएगी, हर मिनट में कमांड आएगी तो मैं आपको लगा के बता दूंगा। तो वो जो इंडिकेटर वो ये रहा, ग्रोस मार्जिन इंडिकेटर, और जब आप ज्वाइन होंगे तो मैं इस इंडिकेटर की एक्सेस दे दूंगा, आप इससे काफ़ी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए हम टेस्टिंग पर्पज से करेंगे। तो हमने इस प्लस के मार्क पे क्लिक करा एंड इस ग्रोस मार्जिन पे क्लिक करा और ये बाय डिफॉल्ट बॉट आ गया, इसमें हमें क्लोज रखना है। एंड कोड में अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हम कोड आज जो वीडियो में बताने वाला हूँ कोडिंग के ऊपर, ये कमांड कैसे बनती है और कमांड में जो कोड होता है वो किस तरीके से यूज होता है। तो हमने ये बना दिया बॉट और सिग्नल भी आ गया, पर बॉट वर्क नहीं कर रहा क्योंकि कोड नहीं है। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे ऑर्डर लगाए थे, पर क्या हो गया, उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो वीडियो मेरे को डिलीट करनी पड़ी और दोबारा से बनानी पड़ रही है। तो अब क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको, अपना नेक्स्ट लेवल बॉट का एक्सटेंशन ओपन करना है और हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये पैरामीटर दिखेंगे, इनको छोड़ दीजिए, ये पैरामीटर दिखेंगे इनको छोड़ दीजिए। ये जो पैरामीटर है ये ऑर्डर लगाने के लिए, ये सारे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ कैसे किस किस का यूज़ होता है, पर मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मार्केट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा तो बेमतलब में बाय हो जाएंगे। तो ये MSI मार्केट ऑर्डर है और आप इसे यूज़ कर सकते हो। सभी के अंदर मैंने ACC स्टॉक का नाम डाल रखा है और क्वांटिटी में एक डाल रखा है, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम MIS ऑर्डर के अंदर पहले ले लेते हैं बाय साइड से एक ऑर्डर, और ये ले लेते हैं हम लिमिट में। तो हमने इस कोड को कॉपी करा और अब जाते हैं एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रिप्लेस टेस्ट टेक्स्ट ऑनलाइन। इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस कोड को यहाँ डालना है, आप चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा इश्यू लगता है तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हमें ACC के बदले, क्योंकि हम यस बैंक पे काम कर रहे हैं, तो हमने ACC टाइप करा और इसे रिप्लेस करना है हमें यस बैंक से, तो हमने यस बैंक कर दिया। तो आप नीचे देखोगे यस बैंक हो गया, ACC के बदले यस बैंक यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, तो ये रिप्लेस करता है। क्वांटिटी में हम 50 डाल देते हैं अभी के लिए। और अब मैं आपको समझाता हूँ ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले हमने स्टॉक का नाम डाल दिया, अगर आप यहाँ देखोगे स्टॉक का नाम डाल दिया, उसके बाद एक्सचेंज का नाम डाल दिया, क्यों NSE और BSE पे अभी वर्क करती है ये चीज़। उसके बाद हमने क्वांटिटी डाल दी, क्यूएसएल क्वांटिटी, भाई 50 क्वांटिटी में काम करना है। उसके बाद हमने ये बताया TT का मतलब है, TT इक्वल मतलब बाय करना है या सेल करना है, तो हमने TT बाय डाल दिया कि बाय साइड से काम कर रहे हैं। पूरा कोड ऐसी है। PR का मतलब है परसेंटेज, कि मार्केट रेट जब भी हमारा सिग्नल आए उस मार्केट रेट से 5% नीचे हमारी बिड लगे। तो अभी हम इसे 2 कर देते हैं 5 के बदले, कि भाई 2% नीचे लगे, अब 2 हो गया, आप ऊपर मैंने करा तो नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ये चीज बाय डिफॉल्ट ऐसे ही डालनी है। तो आपको कोड कॉपी कर लेना, बस क्वांटिटी और परसेंटेज करनी है अगर आप मार्केट ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर में MIS ऑर्डर लगाते हैं। तो हमने क्या करा, तो हम क्या करते हैं, हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पर हम चले, पहले आपको ध्यान रखना है आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर करके ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश कर लेना है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हार्ड रिफ्रेश कहते हैं। 1 टाइम करना है आपको मॉर्निंग के टाइम पे, और उसके बाद आपको इस कोड को डालना है। जैसे हमने इस साइटिंग के आइकन पे क्लिक करा, अभी तक हमने कोड नहीं डाला था, हमने कोड डाल दिया।
और यहां सेव कर दिया। अब जैसे कि आपको पता ही जो हमने कमांड लगा रखी पर कैंडल पे लगा रखी, जैसे ही पर कैंडल क्लोज होगी अगली कैंडल पे वो आएगा। तो अभी पर कैंडल क्लोज होने में 8 सेकंड रह गए, आप सेकंड देख सकते हो। तो हम यहां पर गए अपने जिरोधा अकाउंट पे और देखते हैं ये ऑर्डर लगता है नहीं लगता। तो अभी कमांड आई नहीं, ये आपके सामने कमांड आई आपने देखा। और हम अगर जाते हैं तो यहां पर आपको देखोगे एक ऑर्डर लग भी गया, यस बैंक में ये लगा है। और जैसे हमारा कोड क्या था, 2% नीचे, आप यहां देख सकते हो 2% डाला था और 50 क्वांटिटी डाली थी। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो क्वांटिटी में तो 50 लगा और 61 रुपए इसका अभी लाइव प्राइस है, उसी से 2% नीचे ये ऑर्डर लग गया है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा ऑर्डर वर्क कर रहा है। तो ये तो हमारा था परसेंटेज में। अभी से कमांड को मैं बंद कर देता हूं, ये रेड हो गया तो बंद हो गया। अब हम दूसरे कोड पे आते हैं, ये तो था परसेंटेज में बाय ऑर्डर। अब इसी की तरह मैं एक ऑर्डर आपको और दिखा देता हूं कि आप चाहते हो कि भाई परसेंटेज में नहीं काम करना, आपको आपको करना है नंबर में काम। जैसे कोई चीज 100 रुपए चल रही है, आप चाहते हो कि भाई 99 रुपए पे बिड लगे, 1 रुपए नीचे लगे, तो ऐसे में आपको यहां पर -1 डालना है। अभी -5 है, आपको -1 माइनस जो जितने भी आप रुपए नीचे चाहते हो उतने पॉइंट आपको, जितने पॉइंट आप नीचे चाहते हो उतने पॉइंट डालने। एग्जाम्पल के लिए हमने कोड कॉपी करा एंड फिर हमसे हम अपने ऑनलाइन टूल पे गए, जिसके ये मेरा टूल नहीं है, ये एक ऑनलाइन टूल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखिए ACC लिखा हुआ है और नीचे ऑटोमेटिक यस बैंक हो गया क्योंकि हमने ये रिप्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ भी हम 50 क्वांटिटी डाल देते हैं एंड हम चाहते हैं कि मार्केट रेट से 2 रुपये नीचे लगे, तो हमने यहाँ परसेंटेज नहीं लगा रहे, हम पॉइंट लगा रहे कि 2 पॉइंट नीचे लगे। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे चलते हैं और ये कमांड ऑफ है, इसके अंदर हम कोड चेंज कर देते हैं, ये वाला कोड डाला, कंट्रोल वी करके मैंने डाल भी दिया और सेव कर दिया। अब ये कमांड कब आएगी ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पर आप क्लियर कर दोगे, जो भी कमांड आपकी आती हो आपको यहाँ पर शो होती है, मेरे कजर पे देख लीजिए। तो ये कमांड आएगी 22 सेकंड बाद, जैसे कि हमने बताया ये जो हमने कमांड बना रखी है, ये बना रखी है जो स्ट्रैटेजी अभी हम यूज कर रहे हैं, पर कैंडल पे हमें सिग्नल मिले, मतलब अलर्ट्स आए और जिससे कि हमारे ऑर्डर लगे। तो अभी जो अगली कमांड आने वाली है अगली मिनट में, वो 7 सेकंड रह गए और ऑर्डर में जाके देखते हैं। तो एक ऑर्डर लगा हुआ है पहले वाला और ये हम पॉइंट में ऑर्डर लगा रहे हैं, तो देखते हैं अगली कमांड आ गई। चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और ये दूसरा ऑर्डर भी आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करा था, कोड के अंदर हमने डाला था -2 मतलब 2 रुपए नीचे। तो अगर आप सेकंड ऑर्डर देखोगे तो 61 रुपए 35 पैसे समथिंग चल रहा है और 59 रुपए 40 पैसे समथिंग, मतलब 2 रुपए नीचे इनने ऑर्डर लगा दिया। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हाँ हमारा ऑर्डर काम कर रहा है। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं और अब ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर लगाते कैसे। अब इसे हम कैंसिल करते हैं कि ये दोबारा कमांड ना दें, जिससे कि मैं आपको तीसरा ऑर्डर दिखा सकूं। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई, हम दोबारा से कोड पे चलते हैं। ये पेज कहां से आएगा आपको बता दूं, ये पेज आएगा, आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, हेल्प पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि MIS में हमारे दोनों ऑर्डर लग रहे हैं, बाय के भी और परसेंटेज बाय के भी, मतलब विदाउट परसेंटेज भी हम ऑर्डर लगा पा रहे हैं और परसेंटेज के साथ भी। अब एक बार हम सेल का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको कोई भी ऑर्डर विदाउट परसेंटेज नहीं दिखाऊंगा, सीधे परसेंटेज दिखाऊंगा क्योंकि मैंने विदाउट परसेंटेज एक ऑर्डर दिखा दिया है, सेम वैसे ही आपको काम करना है। तो हम सेल का MSI ऑर्डर चेक करते हैं। हमने कॉपी करा, अपने ऑनलाइन टूल पे गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमने 50 क्वांटिटी कर दी क्योंकि एक क्वांटिटी थोड़ा सा वो हो जाती है। आप मैंने बाय डिफॉल्ट एक कर रखा, आप जो भी कर सकते हो। और यहाँ हमने +2 कर दिया, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ था प्लस, तो हमने +2 कर दिया। तो ये सेल ऑर्डर है, तो हम चाहते हैं जैसे ही सिग्नल आए उससे 2% मार्केट में हमारा ऑर्डर लगे। तो हम मैंने बताया ना मार्केट ऑर्डर में अभी आपको नहीं दिखा रहा, बेमतलब में मेरी बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगी। आप चाहोगे तो वैसे आपका मार्केट रेट में भी बाय हो जाएगा, मार्केट कोड है, मैंने ये कोड डाल दिया, सेव कर दिया, कमांड ऑन हो गई, आप देख सकते हो ग्रीन। अच्छा, मैं आपको मार्केट कोड दिखा दूं, अगर आप देखोगे, अगर आप मार्केट में बाय डायरेक्ट बाय और डायरेक्ट सेल करना चाहते हो, ये रहा कोड, ठीक है जी, MIS ऑर्डर में। तो अब आते हैं हम यस बैंक पे, 11 सेकंड रह गए हैं कमांड आने में। ऑर्डर बुक में जाते हैं, 0 ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है और ये सेल ऑर्डर लगेगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो वेट करते हैं हम और आई थिंक आ गया ऑर्डर और यहाँ पर देखते हैं, तो ये सेल ऑर्डर हमारा मतलब प्लेस हो गया। तो आप देख सकते हो ये मार्केट रेट से 2% नीचे प्लेस हुआ है क्योंकि हमने 2% डाला था, सॉरी 2% ऊपर प्लेस हुआ है। एक बार दिखा देता हूँ, मार्केट चल रही है 61 रुपये 30 पैसे पे और ये 62 रुपये 60 पैसे पे 2% समथिंग पे ये सेल ऑर्डर हमारा लगा है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ सेल ऑर्डर भी लग रहा है। इस तरीके से आप बाय सेल ऑर्डर MIS के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, मैं इसको फिर से बंद करता हूं, अब आ जाते हैं हम ब्रैकेट ऑर्डर पे।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने ये चीज तो कवर कर दी पर एसएल ऑर्डर कवर नहीं करा एंड एसएलएम ऑर्डर नहीं करा। तो सेम वही चीज है, कोड दे रखा है, इसके बारे में इन फ्यूचर बता दूंगा। जो मेन चीज है आज वो बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बनने वाली बहुत ज्यादा लंबी। अब आ जाता है ब्रैकेट ऑर्डर पर। ब्रैकेट ऑर्डर में जैसे आप जानते हो कि कभी भी मार्केट में बाय नहीं होता, मतलब लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो यहां पर ये लिमिट ऑर्डर एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी कर लेना है। हमने कॉपी करा एंड इसे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैं आपको कोड की फॉर्म सेंटेक्स का मतलब समझा देता हूं। तो पहले तो हम नीचे देखेंगे, जो एसीसी था वो ऑटोमेटिक यस बैंक हो गया, ओके। और क्वांटिटी में हम 50 कर देते हैं, तो हमने ये 50 कर दिया। अब इसके अंदर आप देखिए पीआर 5%, पीआर मतलब जो प्राइस है जब सिग्नल आता है 100 रुपए पे, उससे 5% नीचे बिड लगे ऑटोमेटिक। तो अभी हम इसे 2% कर देते हैं कि जब सिग्नल आए अकॉर्डिंग, मतलब 100 रुपए पे सिग्नल बनता है और तो 92 रुपए नीचे, 2% नीचे हमारी बिड लगे, 98 पे बिड लगे। तो ये वो हो गया कि आप कितने परसेंट नीचे चाहते हो। अच्छा, इधर एसओ लिखा है। एसओ का मतलब मैं आपको बता दूं, ये टारगेट है, समझ रहे हो। तो हमने टारगेट ले लिया 3%, 3 रुपए। इसमें परसेंटेज नहीं डालनी, यहाँ नंबर डालने, पॉइंट डालने, कितने का टारगेट। और 2 रुपए एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट ऑर्डर में टारगेट और एसएल डालना कंपलसरी है। तो हमने इसे कॉपी करा एंड हम देखते हैं ब्रैकेट ऑर्डर बाय की साइड से कैसा लगता है। तो हमने इसे कॉपी करके हम गए इंडिकेटर पे, कमांड पे, और यहां पर हमने इसे पेस्ट करा एंड सेव कर दिया। जैसे सेव करा ये रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी, इट्स मीन हमारा बॉट ऑन हो गया है। और हमें अभी 48 सेकेंड लगेंगे कमांड आने में, आप देख सकते हो। तो हम जब तक कुछ बातें कर लेते हैं, हम कोर्ट पे आए। तो इसी तरीके से आप इसमें, ये तो परसेंटेज वाला है और आप विदाउट परसेंटेज भी डाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीज मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट अब सेल ऑर्डर दिखाऊंगा। अभी एक ब्रैकेट ऑर्डर में बाय ऑर्डर दिखा रहा हूं, उसी तरीके से सेल ऑर्डर दिखाऊंगा। ऐसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, एसएल भी लगा सकते हो, एसएल विथ ट्रेलिंग स्टॉप, ये सारी चीजें दे रखी है। बट ये अभी मैं कवर नहीं करूंगा, जो मेन था ब्रैकेट ऑर्डर वो मैं कवर करने जा रहा हूं। तो अब देखते हैं, 15 सेकंड रह गए, मतलब 15 सेकंड बाद कमांड आएगी और फिर देखेंगे हमारा ऑर्डर लगा या नहीं लगा। जैसे आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो, 0 ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ। तो अभी हमने कमांड में क्या बनाया, हमने बताया है कि मार्केट रेट से 2% नीचे लगे, जहां कमांड आती है उससे 2% नीचे लगे, 3 रुपए का एसएल। आगे कमांड आप देख सकते हो, कमांड आ गई यहाँ नीचे और हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ऑर्डर भी लग गया। तो मार्केट रेट जो है वो 61 रुपए पे है और 60 रुपए 20 पैसे पे हमारा ऑर्डर लग गया। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दिखेगा। जैसे आपको पता है ब्रैकेट ऑर्डर जब आप लगाते हो तो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिखता है। तो इट्स मीन कि हमारा ये इस तरीके से वर्क करता है। एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, हम इसे कैंसिल करते हैं, ये मैंने कैंसिल करा एंड हम बॉट को बंद करते हैं। बॉट को बंद करने के लिए बस यहाँ से यस करना है, ये स्टार्ट और रीस्टार्ट यहीं से होता है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे सेल। ब्रैकेट ऑर्डर में हम सेल का ऑर्डर ले लेते हैं। मैंने बताया ये परसेंटेज में दिखाया था, विदाउट परसेंटेज यूज करना है तो इस कोड को यूज कर सकते हो, बस परसेंटेज हटानी है आपको, उसमें और कुछ नहीं करना। अब सेल ऑर्डर में आते हैं, ये भी परसेंटेज के साथ है। तो मैंने सेल ऑर्डर कॉपी करा, अपने ऑनलाइन वाले टूल पे आया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया और नीचे ऑटोमेटिक ये हो गया। तो पहले क्वांटिटी कर देता हूं 50, आप चाहो तो एक ही क्वांटिटी के साथ कर सकते हो, मैं बस वैसे जानबूझ के कर रहा हूं। परसेंटेज कर देता हूं 2। अब ये +2% है, मतलब मार्केट रेट से 2% ऊपर लगे। एसएल एसओ का मतलब आपको पता है, स्टॉप लॉस स्क्वेयर ऑफ है। तो ये टारगेट है, तो टारगेट आपका मैंने 3 रुपए ले लिया जैसे, और 3 पॉइंट सॉरी, और स्टॉप लॉस 2 पॉइंट, ठीक है ना। अब ये सेल ऑर्डर है, हमने नीचे से कॉपी करा एंड हम दोबारा से गए और हमने इसे कमांड के अंदर डाला। तो ये हम डालने जा रहे हैं एंड डाल दिया एंड सेव करा, ये रेड लाइट फिर से ग्रीन हो जाएगी क्योंकि हमारी कमांड ऑन हो जाएगी, हो गई। और अभी 29 सेकंड रह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैं एक आपको बस ये एक सेल ऑर्डर दिखा रहा हूँ ब्रैकेट ऑर्डर में, आप इसको विदाउट परसेंटेज भी डाल सकते हो, वो रहा कोड, ये रहा। तो ये कोड आपको पता है ना कैसे मिलेगा, एक्सटेंशन के हेल्प पे क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे, आपको ये कोड मिल जाएंगे। तो अब देखते कितने सेकंड रह गए, 12 सेकंड रह गए और ऑर्डर में जाते हैं। तो ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर बुक में हमारा ऑर्डर नहीं है और 5 सेकंड रह गए, ऑर्डर आने वाला है। जैसे कोई भी कमांड आती है आपको नीचे दिख जाएगी, जैसे अभी आई या कमांड दिख गई आपको। और अब हम चलते हैं अपने इस पे,
क्या कहते हैं ऑर्डर बुक मिल गए, तो आप देख सकते हो सेल ऑर्डर लग गया है, ब्रैकेट ऑर्डर लगा है, बीओ आपको दिख रहा है और मार्केट रेट से 2% ऊपर लगाया, जैसे हमने 2% डाला था, 61 रुपए पे अभी मार्केट है, 150 पे और 62.50 समथिंग पे इनने ऑर्डर लगाया, 70 रुपए ऑर्डर लगाया, तो ये भी कंफर्म हो गया हमारा सेल ऑर्डर। कैसे लगता है, इसे हमने कैंसिल करा और बॉट को हम करते हैं ऑफ, ये हमने यहां से ऑफ करा, यहां से बॉट को ऑफ करा, तो अब हमारा ब्रैकेट ऑर्डर भी कवर हो गया। अब आते हैं हम किस पे, कवर ऑर्डर पे, तो कवर ऑर्डर के अंदर देखो मार्केट में भी ऑर्डर लग जाते हैं, तो ये मेरा बेकार में बाइंग हो जाएगी, तो मैं मार्केट ऑर्डर नहीं दिखा रहा, इसके अंदर सब सिर्फ आपको सेंटेक्स चेंज कर सिंबल चेंज करना है, जिसपे आप बाय कर रहे हो डायरेक्ट बाय हो जाएंगे। परसेंटेज में आपको ये जो टीपी है, टीपी आपका टारगेट स्टॉप लॉस है, इसका बात याद रखना, टीपी मतलब टारगेट प्राइस। तो आपको पता है कि कवर ऑर्डर के अंदर कंपलसरी है आपको टारगेट प्राइस डालना, टिगर प्राइस डालना कंपलसरी है, तो आपका टिगर प्राइस है, आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो, विदाउट परसेंटेज भी डाल सकते हो, सेल ऑर्डर के कोड ये रहे। तो अभी हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इस कोड के अंदर एक कमी है, इसके अंदर ये वाली डॉट नहीं लगी, तो ये अभी मैं फिक्स कर दूंगा, तो हो सकता है ये अभी ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा इसमें डॉट लगानी पड़ेगी, इस चीज को दिखा रहा हूं। तो मैंने बाय ऑर्डर कवर ऑर्डर कॉपी करा एंड अपने इस टूल के अंदर पेस्ट करा, जिसमें रिप्लेस करते हैं, ऑटोमेटिक यस बैंक हो गया। अब इसके अंदर पहले मैं एक डॉट लगा देता हूं, जिससे ये कम करे, वो बाय मिस्टेक हट चुका है वहां से, बाद में हम ऐड कर देंगे। तो ये डॉट आई थिंक इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से मैंने ऐड कर दिया। और अब क्या करना है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखिए पहले तो हम क्वांटिटी कर देते, कवर ऑर्डर है 50 क्वांटिटी में हम बाय करना चाहते हैं, और जो प्राइस है, जो भी हमारा सिग्नल आएगा, वो सिग्नल जैसे कोई चीज 100 रुपए पे चल रही है और हम चाहते हैं 100 रुपए पे सिग्नल आया है, तो हम चाहते हैं भाई 3% नीचे लगे, तो हमने -3 कर दिया, पर टिगर प्राइस जो होता है वो कहां पर लगेगा, वो तो 5% 4% नीचे लगेगा। कोई 100 रुपए पे आप चीज ले रहे हो, आप 98 पे ऑर्डर लगा रहे हो कवर ऑर्डर, तो 98 से नीचे आपका टिगर प्राइस लगता है, तो हमने 5% मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए आपके पीआर प्राइस से, टीपी प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हमने इस कोड को कॉपी करा नीचे से एंड इसे लगा के देखते हैं हम। तो हम गए, हमने इसको ट्रेडिंग व्यू के अंदर पेस्ट करा अपने बॉट के साथ एक्टिवेट करते हुए, सेव करा, यहाँ ग्रीन लाइट हो जाएगी आपके सामने, और ये हो गई ग्रीन लाइट। अब हम गए ऑर्डर बुक में, आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में कोई ऑर्डर नहीं है, और यहाँ रह रहे हैं 23 सेकंड। जैसे आपको पता है जो हम कमांड यूज कर रहे हैं पर कैंडल पे आ रही है, और पर कैंडल जो अगली कैंडल आएगी वो 16 सेकंड बाद आएगी, और जो भी कमांड आती है आपको यहाँ दिख जाएगी, आप राइट क्लिक करके इसे क्लियर लॉक करके हटा भी सकते हैं। तो अभी 8 सेकंड रह गए और हमें 8 सेकंड वेट करना पड़ेगा, 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, देखते हैं ऑर्डर आता है नहीं आता, क्योंकि उसमें एक डॉट की दिक्कत थी, वो मैंने मैन्युअली डाली है। तो ये ऑर्डर इधर करा और यहां जाके देखते हैं, हाँ ऑर्डर आ गया। अब इसके अंदर आप देख सकते हो हमने क्या डाला था, एक बार दिखा दूं मैं आपको, हमने डाला था मार्केट रेट से 5% नीचे हमारा टिगर प्राइस हो, तो आप देख सकते हो बाइंग की जो इनने ऑर्डर लगाया है वो लगाया है इनने, बाइंग का ऑर्डर कहाँ लगाया इसने, एलटीपी बाइंग का ऑर्डर इनने 3% नीचे लगाया मार्केट से, ये रहा आपका इसका बाइंग का ऑर्डर, और जो टिगर प्राइस है इनने 5% नीचे लगाया, जो इसका टिगर प्राइस है। तो आपको पता चल गया कि इनने कवर ऑर्डर के अंदर बाइंग ऑर्डर कैसे लगाया, तो इसे हम कैंसिल करते हैं फटाफट। अब मैं आपको सेलिंग ऑर्डर भी दिखा देता हूं, इसी तरीके से आप विदाउट परसेंटेज भी डाल सकते हो, मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोड वहां पर दिए हुए हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इस चक्कर में मैं इसे ऐड नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हो विदाउट परसेंटेज। अब मैं सेल ऑर्डर पे आता हूं, वो भी परसेंटेज वाला ही ले रहा हूं, एंड चलो ये सेल ऑर्डर विदाउट परसेंटेज ले लेता हूं, जिससे आपको पता चले। हमने ये कॉपी करा एंड हम ऑनलाइन रिप्लेस टूल पे गए, और सबसे पहले हम क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, मैं बार बार 50 कर रहा हूं, वो आपकी मर्जी, आप कितना करना चाहते हो। सेल ऑर्डर है, इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्डर के अंदर माइनस डलता है, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो सेल ऑर्डर है वो -3% लगे, और जो टीपी है वो माइनस परसेंटेज नहीं है, एक लगे टीपी, मतलब 1 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं। तो अब हमने नीचे कॉपी करा, ये कोड कैसे काम करेगा आपको दिखा देता हूं मैं, पहले ये मैंने विदाउट परसेंटेज वाला कोड लिया है, और हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे, और हमने ये यहां पर पेस्ट कर दिया एंड सेव कर दिया। लिमिट ऑर्डर है कवर में, और अभी जैसे लगेगा मैं दिखा दूंगा, 18 सेकंड रह गए ऑर्डर आने में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं 0 ऑर्डर। और कोड में हमने क्या डाला था कि मार्केट रेट से 3%, ये एक मिनट मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, पर अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, पहले एक बार ऑर्डर देख लेते हैं सही आया नहीं आया।
तो कमांड आई और ये रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट इसलिए हो गया, मेरे को लग ही रहा था एक गलत है, और ये गलत क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी हम फिक्स कर देंगे इस चीज को। इसके अंदर इन्हें ये चीज गलत बताई है कि मार्केट रेट से प्लस होना चाहिए था, इधर माइनस नहीं होना चाहिए था। इसमें है ना, इनने माइनस लगा रखा है, इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया ऑर्डर। तो अभी हम क्या करते हैं, हम मैनुअल कर देते हैं, पर आपको इन फ्यूचर ये प्लस ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ कर देते हैं प्लस, मार्केट रेट से 3% ऊपर हमारी बिड लगे, जैसे ही सिग्नल आता है और 3% ऊपर बिड लगेगी तो 1% ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो, एक एक पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कोड काम करेगा नहीं करेगा। तो ये तो मेरे को आपके सामने ही एडिट करना पड़ रहा है, पर ये चीज आप इन फ्यूचर आओगे तो यहां पर आपको सही मिलेगी। ये चीज मैंने अभी देखी है, ये गलत कैसे हो गई मुझे नहीं पता। तो अभी के लिए हमने कोड प्लेस कर दिया और कमांड आने में 3 सेकंड रह गए, 2 सेकंड रह गए, ये आ गई कमांड। अब चेक करते हैं और ऑर्डर लग गया, और ये हमारे से गलती हो गई कि हमने ऊपर वाला कोड पेस्ट करा, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। तो आप देखिए, अभी पहले मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, ये 1400 पॉइंट वाला ऑर्डर है। अब हम करते हैं इसे कैंसिल और हम करते हैं नीचे वाला कोड को। मैंने ऊपर वाला पेस्ट कर लिया इसलिए एसीसी में ऑर्डर लग गया तो बाय डिफॉल्ट। तो अब हमने नीचे वाला कर लिया, तो अब ये ऑर्डर लगेगा कहां पर, आपको पता होगा, ये ऑर्डर लगेगा हमारा यस बैंक में। तो अभी के लिए हमने क्या करा, मैं एक बार कोड दिखा देता हूं। जो माइनस का सिंबल था उसे प्लस कर दिया है, क्योंकि सेल में प्लस ही होता है, क्योंकि हम चाह रहे और लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं। कोई 100 रुपए पे हमारे को सिग्नल मिला, हम चाहते हैं भाई 3 रुपए हमारे ऊपर बिड लगे, तो 103 पे बिड लगेगी ना। तो अभी हमने 3 पॉइंट ऊपर बिड लगाने का वो कर दिया, और जो टीपी लिया है, जो टारगेट टिगर प्राइस जो 1 रुपए लिया है कि भाई हमारा 1 रुपए स्टॉप लॉस है। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं, आपके सामने 6 सेकंड रह गए और ऑर्डर पे चलते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ ऑर्डर कैसा लगा है ये सेल का। तो ये ऑर्डर आ गया, ये कमांड आ गई, और ऑर्डर क्यों नहीं आया मेरे को समझ नहीं आया। हाँ आ गया जी। तो आप देखिए, जो हमारा सेल ऑर्डर लगा है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, 61 रुपए 40 पैसे, आप देख सकते हो। पर इनने ऑर्डर कहाँ लगाया, 64 रुपए 40 पैसे, मतलब 3 रुपए ऊपर लगा दिए। बिल्कुल सही, जैसा हमने पॉइंट डाला था वैसे ही काम करा। और टिगर प्राइस क्या लिया है, जैसे मार्केट में पॉइंट क्या चल रहा था, 61 रुपए 40 पैसे, और इनने क्या टिगर प्राइस लगाया, 62 रुपए 40 पैसे पे इनने अपना स्टॉप लॉस टिगर प्राइस लगाया है। क्योंकि सेल करा हमने, शॉर्ट करा, शॉर्ट में मार्केट नीचे जाएगी, जब भी हमारा प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएगी तो इट्स मीन हमें लॉस होगा, तो हम 1 रुपए का लॉस ले रहे हैं 1 पॉइंट का। तो ये चीजें जो काम करता है उनको, जो काम करते हैं उनको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज क्लियर होगी। अब मैं एक बार क्लियर, मैंने आपको तीनों तरीके के ऑर्डर लगा के दिखा दिए, और अब आ जाते हैं ये थोड़ा सा, अब हमने तीनों, हाँ एक रह गया ये सीएनसी ऑर्डर, सेम सीएनसी ऑर्डर है, आप देख सकते हो। जो सीएनसी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, उनके लिए सेम उसी तरीके से कमांड दे रखी है मैंने। अच्छा, उसके बाद आता है मल्टीपल कमांड। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होती है कि एक साथ कई सारी आपकी बिड लग रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने कोड कॉपी करा, इसके अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है स्पेस आफ्टर वन कमांड, ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने क्या करा, इस कोड को पेस्ट कर दिया, सबसे पहले पेस्ट कर दिया, एंड एक मिनट, ये कमांड सही से पेस्ट नहीं हुई, फिर से पेस्ट करते हैं। एक मिनट, मैं कॉपी ही सही से नहीं करके लाया, आई थिंक ये देखिए, मैंने कॉपी सही से नहीं करा, तो हम इसे सही से पहले कॉपी कर लेते हैं। यहां से मैंने कॉपी कर लिया, एंड मैं गया कहां पर, अपने ऑनलाइन टूल पे, वीडियो होने वाली काफी लंबी, तो ये देखिए हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब एसीसी के बदले आ गया सबसे पहले यस बैंक। ये मल्टी कमांड है, तो हमें हर कमांड के बाद स्पेस देना, ये देखिए स्पेस है, एमएसआई के बाद स्पेस है, फिर यहां पर भी स्पेस है, और यहां पर हमने स्पेस दे दिया। अब तीनों जगह स्पेस आ गया, तो स्पेस देके हमें ये कमांड बनानी है। ये तीन कमांड एक साथ लगेगी यस बैंक पे, आपको मैं नीचे दिखा देता हूं। पहली क्वांटिटी लगेगी हमारी 50, मैंने 50 कर दी। दूसरी क्वांटिटी लगेगी हमारी 51, एंड तीसरी लगेगी, आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो इस ऑर्डर को, पर मैं ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूं, 52। अच्छा, इसमें हम परसेंटेज कर रखा है कि दो पर, तो एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मेरे को हटना पड़ा, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हम थे मल्टीपल कमांड पे, एक बार फिर से आ जाते हैं। हमने मल्टीपल कमांड को कॉपी कर लिया था, और स्पेस रिक्वायरमेंट था, मैंने सब में स्पेस आपको दिखा दिया था। और इसके अंदर जैसे हमने कहा था कि हमने 50 क्वांटिटी डाली, 51 डाली, 52 डाली, और यहाँ PR लिखा है, मार्केट रेट से 2 रुपये नीचे, 3 रुपये नीचे, 2% नीचे, 3% नीचे, 4% नीचे, ये हमने बिड लगा दी। आप चाहो तो पॉइंट भी लगा सकते हो। और ये मल्टीपल कमांड हमने नीचे से कॉपी कर ली, और जैसे ही हमने कॉपी करी, एंड हम अपने ट्रेडिंग व्यूज पे गए, एंड हमने इसे पेस्ट करा, तो क्या होगा कि हमारे 3 ऑर्डर लग जाएंगे। ये मल्टीपल कमांड है, और हमने सेव करा, और जैसे कि अब 20 सेकंड रह गए, आप देख सकते हो।
और हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे, जोरोधा अकाउंट पे आप देख सकते हो ऑर्डर में कुछ नहीं है। तो तीन ऑर्डर जब सिग्नल आएगा, ये मतलब डिपेंड करता है सिग्नल पे, आपने हॉरिजेंटल लाइन ट्रेंड लाइन डाल रखी है तो वहां पर तीन ऑर्डर नीचे लग जाएंगे। आप करंट बाय कराना चाहते हो, करंट बाय हो जाएंगे तीन ऑर्डर में, जैसे भी आप चाहते हो, ये डिपेंड आपकी उस पर करता है। तो ये कमांड आई आपके सामने एंड हम गए, तो आप देखो 1, 2 एंड 3 तीसरा ऑर्डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा कोई स्पेस का पंगा आ गया होगा। तो फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं स्पेस में कहाँ पर कोई हमने प्रॉब्लम करी है, कहीं तो प्रॉब्लम नहीं करी, एक मिनट। अच्छा, हाँ एक प्रॉब्लम हो गई, वो आपको नहीं दिखेगी, मैं आपको दिखा दूँ। चलो मतलब स्पेस का पंगा था और वो स्पेस क्या हो गया मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। कैंसिल करें हमने ये ऑर्डर एंड मैं इधर गया, कमांड को पहले ऑफ कर देता हूँ। दो ऑर्डर इसलिए लेके, 50 और 52 का ऑर्डर लगा था, 51 का रह गया था। जो 51 का ये ऑर्डर है इसके आगे स्पेस नहीं था, ये देखिए स्पेस नहीं है, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ अगर स्पेस डालेंगे, स्पेस एक मिनट, स्पेस डाला हमने, एक मिनट फिर से स्पेस गैप हो रहा है। ये 51 वाला ऑर्डर कहाँ है हमारा, ये रहा, एंड हम स्पेस डालते हैं। हाँ, अब स्पेस आ गया और हम इसे सेव करते हैं। अब देखिए अब हाथों हाथ कमांड आ जाए, एक मिनट कमांड आएगी या नहीं आएगी, और कमांड आएगी हमें फिर एक मिनट रुकना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको दिख जाएगा एक स्पेस गलत डल गया था, आप खुद जाके अपनी कमांड में भी चेक कर सकते हैं, अगर स्पेस नहीं होगा तो वो उतने ऑर्डर नहीं लगाएगा मल्टीपल कमांड के लिए। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर स्पेस डाल दिया, यहाँ पर स्पेस हैगा एंड यहाँ पर स्पेस, एक मिनट, काफ़ी जगह स्पेस नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा स्पेस कहाँ जा रहे हैं, मैं जो स्पेस डाल रहा हूँ, हाँ स्पेस आ गया। एंड इस तरीके से स्पेस डालने और सारी जगह डल गए स्पेस, और मैंने सेव कर दिया। एंड कितने सेकेंड रह गए मैं आपको दिखा दूँ, अच्छा चार्ट ऊपर चले गया है, तो 17 सेकेंड रह गए और 17 सेकंड बाद कमांड आएगी। अब तीन कमांड लगेगी जैसे हमने डाली थी, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, जो हमने डाली थी 50 क्वांटिटी, 51 क्वांटिटी और 52 क्वांटिटी, तीन ऑर्डर हमारे आने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे आएंगे, कितने सेकंड रह गए, आ गया ऑर्डर ये। तो अब हम ऑर्डर पे चलते हैं, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा एक 50 का आया, 51 का आया एंड 52 फिर से रह गया, स्पेस का कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ गया 52 भी आ गया, तो थोड़ा सा डिले करके आया 52 पर आ गया, तो तीनों ऑर्डर हमारे आ गया। हम क्या काम करते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है जी, और बंद कर दिया। अब एक चीज आपको बताऊं, ये हमने यहां पर मल्टी ऑर्डर भी देख लिया, अब आ जाते हैं कैंसल ऑर्डर। ये कैंसल ऑर्डर क्या होता है, सपोज मानो कि आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, जैसे एग्जांपल के लिए जो हम अभी कमांड कर रहे हैं, यह कैंसिल ऑर्डर की दो तरीके हैं। एक तो होता है कि आप ये बाय वाली कमांड डाल रहे हो और उसमें सिंबल का नाम नहीं डाले, स्टॉक का नाम नहीं डाल रहे, जितने भी आपके ऑर्डर लगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। सेल में सेम कर रहे हो तो जितने भी सेल के ऑर्डर लगे, अगर आप विदाउट सिंबल विदाउट स्टॉक का नाम डाले ये ऑर्डर लगाते हो तो सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे जो भी आपने लगा रखे हैं, बिडिंग में लगा रखे हैं, मतलब ये नहीं जो एग्जीक्यूट हो रखे हैं वो कैंसिल होंगे, जो प्लेस हो रखे हैं ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। पर अगर आप सिंगल सिंबल को टारगेट करोगे, स्टॉक को टारगेट करोगे, तो वही स्टॉक वो होगा कैंसिल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बाइक का ये कोड ले लिया एंड मैं इधर गया, मैं सबसे पहले इसको चेंज करता हूँ, तो मैंने इसे चेंज करके यस बैंक कर दिया, नीचे ऑटोमेटिक यस बैंक हो गया था, सॉरी मैं इसे कंट्रोल, नीचे यस बैंक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब ये देखिए मेरे पहले से ऑर्डर लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड बनाता हूँ, नई, आप चाहो तो सेम इसमें भी बना सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं जैसे मैंने बताया, क्लोज एंड मैंने इस कमांड को यहाँ पर डाला एंड यस कर दिया। तो अब दूसरी कमांड बन गई मेरी, ये चालू है और ये 20 सेकंड बाद आएगी। तो जैसे ये कमांड आएगी, देखिए मेरे जो भी ऑर्डर थे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, और फिर से चाहे तो फिर से लग जाएंगे, पर उसके लिए फिर हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पूरा फ्रीडम आपको दे रखा, आपके अकॉर्डिंग काम होता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो कितने सेकंड, 2 सेकंड रह गए, ये आई कमांड और हम यहाँ जाते हैं, तो ये देखिए हमारे ऑर्डर ये कैंसिल क्यों नहीं हुए, अब ये प्रॉब्लम आ गई, फिर से हमें कोड को चेक करना पड़ेगा, कैंसिल कैंसिल सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, हाँ अब हुए कैंसिल, ये देखिए अब हुए, थोड़ा सा डिले हो गया, ये मेरे ख्याल से मेरा नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये डिले कर रहा है। तो ऑर्डर कैंसिल हो गए और हम अब कमांड को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से आप, मैंने अभी टारगेट करा था यस बैंक को, तो यस बैंक मतलब अगर इधर 10
तरह के ऑर्डर होते, यस बैंक, आईसीआई वगैरह वगैरह सब प्लेसमेंट ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर बिट लगी भी होती, तो ये यस बैंक के ही बाय ऑर्डर कैंसिल करता। पर अगर मैं ये वाला कोड यूज कर देता बाय का, तो वो जितने भी स्टॉक होते बाय की बिडिंग के लिए वो सारे कैंसिल कर देता। आई थिंक आपको कैंसिल ऑर्डर भी पता चल गया होगा। अब आ जाते एग्जीक्यूट ऑर्डर। एग्जीक्यूट ऑर्डर में आपको बता दूं, बहुत बढ़िया कमांड है, पर इसके अंदर एक कमी है और वही मेरे को थोड़ा सा बेकार लगा। सबसे पहले एग्जीक्यूट कमांड चलती है आपकी कवर ऑर्डर पे और ब्रैकेट ऑर्डर पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, जैसे सपोज मानो आपने दो तीन शेयर में पोजीशन ले रखी है, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। सपोज मानिए मैंने यस बैंक पे गया और मैंने यहां पर एक मिनट दिखा देता हूं, ये ब्रैकेट ऑर्डर लगाया एंड मार्केट में एक शेयर बाय कर रखा, पोजीशन ले लेता हूं मैं आपके सामने। ये मेरी पोजीशन में गया, एक पोजीशन नहीं सॉरी, ये क्या हुआ, ओहो गलती हो गई, एक मिनट में दोबारा से करता हूँ। अब मार्केट में गया, इसके अंदर हमने टिगर प्राइस गलत डाला था तो हम 60 रुपये डाल देते हैं, एक मिनट, और ये हमने पोजीशन ले ली, आपके सामने मेरी एक पोजीशन आ गई। इसी तरीके से मैंने एसबीआई में गया, एसबीआई के अंदर मैंने 270 डाल देता हूँ टिगर प्राइस एंड एक पोजीशन ले ली, ठीक है जी, दो पोजीशन हो गई मेरी। और इसी तरीके से मैं मतलब ब्रैकेट ऑर्डर की भी मेरी पोजीशन है, पोजीशन मतलब जो एग्जीक्यूट ऑर्डर है मेरे, पोजीशन का मतलब मेरी बात समझी, एग्जीक्यूट ऑर्डर है और मैं चाहता हूं कि एक ही साथ कैंसिल हो जाए, मतलब मैंने एक कोड लगा रखा है, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा रखी, जैसे मार्केट उस पर टच हो, मेरा स्टॉप लॉस था या मेरा टिगर था जो भी था। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊं, सपोज मानो मैंने यहां पर यहां से जाता हूं, ये लाइन क्रिएट कर रखी है और मैंने इसको कमांड दे दिया कि ये मार्केट जैसे इधर टच हो तो मेरे सारे ऑर्डर जो भी ब्रैकेट ऑर्डर है कवर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, या कोई भी मैंने पोजीशन बना के मैंने चाहा कि हाँ मेरे यहां पर ये ट्रेंड लाइन दे देता हूं कि मेरी इस लाइन पे जैसे ही टच हो तो वैसे ही मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, कोई आरएसआई इंडिकेटर पे, कोई मैकडी इंडिकेटर पे, जो भी एवरीथिंग जो पॉसिबल है, जो मेरा माइंड कह रहा है कि उस पे वो चीज हो तो मेरे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस कमांड का यूज लिया जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो एग्जीक्यूट ऑर्डर में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो अगर मैं इस ऑर्डर को डाल दूंगा तो जैसे ये ब्रैकेट ऑर्डर है तो इसके अंदर क्या होगा कि अभी हमने दो शेयर ले रखे हैं अलग अलग नाम के, अलग अलग स्टॉक, तो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर पर मैं इसको डालता हूं कवर ऑर्डर वाले को, तो मैं जिसका नाम दूंगा, जैसे मैं यस बैंक का नाम दूंगा तो यस बैंक ही एग्जीक्यूट होगा। तो अभी के लिए हम दोनों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमने इसे कॉपी करा। एंड अभी इसका एक साइड इफेक्ट भी बताऊंगा क्या है, वो आपको बाद में बताता हूँ पहले, और अभी के लिए मैं कोई लाइन से नहीं कर रहा, चलो लाइन से करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये लाइन ली, पहले रुको मैं आपको लाइन से करके, वैसे आप किसी भी इंडिकेटर वगैरह में भी डाल सकते थे, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और मैंने इस पे ही कमांड पेस्ट कर दी, तो राइट क्लिक करा, ऐड अलर्ट करा, कमांड करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ यही रखना है और यहां पर हमें कमांड डाल देनी है, ठीक है जी, ये डाल दी एंड सेव कर दी। अब जैसे ही सेव करेंगे तो यहां पर वो कमांड आ जाएगी हमारी ग्रीन कलर में जो हमने बनाई है, तो अभी नहीं आई, जैसे आती मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने बताया इंटरनेट स्लो चल रहा है, देखो कितनी देर बाद आई मेरी कमांड, इट्स मीन मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो अब क्या है कि ये जैसे इस पे टच होगी मेरा ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा रखे होते वो भी एग्जीक्यूट हो जाते अगर हमने ब्रैकेट कोड के अंदर ब्रैकेट का यूज करा होता। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसे जानबूझ के टच करवाते हैं, तो मैं इसके पास ले गया और पास लेने के बाद इधर अगर कोई मूवमेंट होती है कैंडल पे, ये थोड़ा सा ऊपर ओपन हो गई, लो मैं बिल्कुल ही पास ले गया और यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं जो भी कमांड आएगी, आ गई कमांड। और यहां पर देखिए जैसे कमांड आई मेरे दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट, ठीक है ना। तो इसे हम किस चीज में ले सकते हैं, इसे हम कई जगह ले सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर पे काम करते हो और आप चाहते हो कि वो टारगेट हिट हो और आपके सारी पोजीशन कट हो जाए, तो या कुछ मतलब कवर ऑर्डर में तो आपको पता है कि आपका वही लगता है, क्या लगता है, टिगर प्राइस लगता है, स्टॉप लॉस लगता है, तो आप इसको कवर ऑर्डर में टारगेट प्राइस के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। मतलब अपना अपना माइंड, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आप कैसे यूज करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपकी बिडिंग भी है ना वो होती है। अगर आपने जैसे कोई ऑर्डर लगा रखे, आपने दो चार ऑर्डर लगा रखे थे कवर ऑर्डर में कि आपको ये बाय करना है, ये बाय करना है, लिमिट ऑर्डर लगा रखे थे, तो वो भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर ये जब यूज करें, जब आप कोई ऑर्डर नहीं लगा रहे, बिडिंग नहीं लगा रहे, आपके एग्जीक्यूट ऑर्डर है, उन्हें आप एग्जिट करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, जब के लिए यूज करें, तो इन फ्यूचर इसे डेप्थ में मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद आती है डिले कमांड। डिले कमांड वो होती है, सपोज मानो इसका थोड़ा सा आपको अभी यूज नहीं बताता, कभी इन फ्यूचर बताऊंगा, काफी एडवांस कमांड है। इसमें क्या होता है कि आपकी कोई कमांड यहां पर आई पर आप चाहते हो कि वो
कुछ टाइम डिले करें, जितने भी सेकंड डिले करें उसके बाद वो यूज हो। कमांड तो आ जाएगी पर वो वर्क करेगी आपके अकॉर्डिंग कि जितने सेकंड आप चाहते हो। तो ये जब यूज में लिया जाता है, जैसे कि कोई पोजीशन में, मतलब इसे एडवांस में बताऊंगा, काफी एडवांस फीचर है ये और इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट डिले का बताना पड़ेगा मेरे को और मैं काफी ज्यादा यूज करता था। तो आई थिंक आपको आज समझ आ गई होगी कि हमें ऑर्डर कैसे लगाते हैं। जितना मुझसे हुआ मैंने कोशिश करी है कवर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा।